दोस्तों आप लोग जो ये मच्छी देख रहे हो, आपके शहर में कितने का होगा बस कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि ये मच्छी मेरे शहर में कितने का है। आप लोग गैस कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये मच्छी कितने का है। कमेंट करके बस बताइए कि आपके शहर में इतना मच्छी कितने का मिलता है। दो पीस मच्छी है, वो भी ठीक ठाक है, बड़ा बड़ा मच्छी है। उसके बाद ग्रेवी है जिसमें आप आराम से दो आदमी खा सकते हैं अगर खाना चाहे तो, नहीं तो एक आदमी के लिए भी कम पड़ेगा लेकिन इसमें दो आदमी आराम से खाना खा सकते हैं। तो आप बताइए कि ये मच्छी कितने का होगा। तो मैं बताता हूं कि मेरे शहर में ये मच्छी, मेरा शहर मतलब भिलाई में, ये मच्छी कितने का है। तो दोस्तों मेरे शहर में एक जगह है संजना ढाबा के नाम से, जहां पर आपको भिलाई में सबसे कम रेट में खाना सिर्फ वही मिलता है। आप चिकन खाना चाहो, मच्छी खाना चाहो, हाँ मटन नहीं मिलता है, सिर्फ चिकन मिलेगा, मच्छी मिलेगा और आपको नॉर्मल खाना मिलेगा, मतलब वेज थाली मिलेगा। और ये जो होटल है ना, अपने प्राइस के लिए इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है आसपास के क्षेत्र में कि वहाँ पे आप लेने के लिए जाओगे कुछ भी सामान तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट या तो आधा घंटा आपको लाइन लगाना पड़ेगा तभी आपको ये खाना मिलेगा। तो दोस्तों ये खाना है सिर्फ 50 रुपये में, मतलब ये जो मच्छी और ग्रेवी है ये है 50 रुपये में, और उसी तरीके से चिकन और ग्रेवी मिलता है 50 रुपये में, और जो नॉर्मल थाली है, जो वेज थाली है, वो मिलता है सिर्फ 60 रुपये में। 60 रुपये में आपको जो वेज थाली मिलेगा उसमें आपको दो सब्जी रहेगा, रायता रहेगा, चावल रहेगा, रोटी रहेगा और दाल रहेगा, और सलाद ये तो नॉर्मल है तो रहना ही रहना है। लेकिन जो ये मच्छी मैं लेके आया हूँ, ये मच्छी है सिर्फ 50 रुपये का, और इसके साथ में अलग से लेके आया हूँ ये जो रोटी है, ये दो रोटी है 5 रुपये का। तो बताओ 60 रुपये का मच्छी और रोटी, बताओ इससे कम कहीं मिलेगा? मिलता होगा दोस्तों, मानता हूँ बहुत जगह मिलता है, लेकिन जो टेस्ट इसमें है, अगर आप भिलाई के आसपास रहते हैं या तो कभी भिलाई आते हैं तो मैं आपको इस जगह जरूर एक बार ट्राई करने बोलूँगा। यहाँ का मच्छी हो, चाहे चिकन हो, चाहे नॉर्मल खाना भी हो, जितना टेस्ट और स्वाद इसमें आता है ना, पूरे भिलाई में कहीं जगह नहीं आता है। तो चलो दोस्तों इसको खाते में बताता हूँ इसका स्वाद कैसे है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको ग्रेवी और रोटी के साथ में, फिर बताता हूँ इसका स्वाद कैसे है। बहुत मस्त स्वाद है यार। ग्रेवी जो है नॉर्मल है, ना ज्यादा नमक है ना ज्यादा मिर्ची है, जैसे घर का खाना बनता है वैसे ही खाना है। देख रहे हो आप लोग ग्रेवी कैसे है।